कभी वो निराशीष है, कभी मेरे लिए ऐसे काल वाला कामना करे और उसके जीवन में उच्चता प्रदान करना, ये मेरा कर्तव्य है। मैं इस कर्तव्य के साथ उसको मैं वचन दिया हूँ और आपके सभी के सामने वचन दे रहा हूँ, उसको श्रेष्ठ संगीतज्ञ बनाऊंगा। लेकिन वो मेरी बात सुन कर रहे हैं, वो उसके मुख को असिद्ध कभी नहीं करे। स्वमूर्धनि सहस्रार पंकजासीनम अव्ययम् सिद्धस्फटिक संकाशम शरच्चंद्र निभानम प्रफुल्लेन्द्र पराकर प्रफुल्लेन्द्र वराकर नेत्रद्वय विराजितम् शुक्लाम्बरधरम् युक्तम् गंधमाल्यानुलेपनम् विभूषणम् श्वेतमाल्ये वराभयकरम् द्वयम् वामांगतया शक्त्या सहितम् सुप्रकाशे सुरलोत्पल्लधारिण्या ज्ञानेन्दुतमानसम् शिवे नैक्य समन्वय ध्यायेत् परगुरुम् धिया। हमारे हृदय में हमारे धी का स्थान ध्यान का स्थान होता है, वहाँ परगुरु को ध्यान कर रहे हैं, हमारे सर पर रखे हुए हैं। इसके बाद आप उस दाहिने हाथ को अपने हाथ पे अपने नीचे ले ले, सर पे से नीचे ले ले और एक एक गुटिका को लेफ्ट हैंड में लेके जाओ। मैं मंत्र बोल रहा हूं, उसमें रेड गुटिका है, उस मंत्र को 5 बार बोलना चाहिए। बोलो ऐं ह्रीं श्रीं, ऐं ह्रीं श्रीं, उसको लेफ्ट हैंड में धारण करो। अब उसके बाद में पीली गुटिका है, उसको ले लो। उसको श्रीम ह्रीम ऐम ऐसा बोलो, श्रीम ह्रीम ऐम, श्रीम ह्रीम ऐम, श्रीम ह्रीम ऐम। लेफ्ट हैंड में धारण करो। फिर सफेद गुटिका है, उसको दो दो बार ओम ऐम ऐम, ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ओम ओम, उसको दो बार बोलो ओम ओम ऐम ऐम, ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ओम ओम। अभी उसमें ब्लू गुटिका है, नीली गुटिका है, उसको लेफ्ट हैंड में ले लो। बोलो सिर्फ ऐम, 11 बार बोलो ऐम 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 ऐम। अब उसके बाद में एक रंगीन और जिस गुटिका के ऊपर माला की तरह रंगीन किया हुआ है, उस गुटिका को अपने हाथ अपने लेफ्ट हैंड में ले लो और सिर्फ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा का ध्यान करो। और उसके बाद काली गुरु गुटिका है, ऐसी गुरु गुटिका है, उस गुरु गुटिका को यंत्र के ऊपर रखते हुए राइट हैंड में ही रख लो, यंत्र पर रखते हुए राइट हैंड में रख लो। कुड़ी చేతిలోనే యంత్రం పెట్టుకొని యంత్రం పైన ఆ నల్లని గుటికను గురు గుటికను పెట్టుకొని కుడి చేతిలో పెట్టుకోండి। ఇప్పుడు మీరు పొద్దున చేసిన ఓం సచ్చిదేకం బ్రహ్మ ఇస్కో 11 బార్ గురు बोलता हूँ वहां न्यास करें। न्यास का मतलब होता है स्थापना करें, वैसा रखें उस यंत्र को। आ राइट हैंड लो उन्ना गुटिका यंत्रानी ने नेकड़े-कड़े पेट्टमंटुना अक्कड़ पेट्टनु शिरसि सदा शिवाय ऋषये नमः सिर पे। उसके बाद मुखे अनुष्टुप छंदसे नमः। उसके बाद हृदय पर सर्वांतरयामि निर्गुण परब्रह्मणे देवताये नमः। उसके बाद धर्मार्थ काम मोक्ष वाप्तये विनियोगाय नमः। दोनों हाथ में दोनों यंत्र ऐसा अंजलिबद्ध होकर ले लो, दोनों सभी को गुटिकाओं को और यंत्र को। अभी फिर ध्यान कह रहा हूं। हृदय कमल मध्ये निर्विशेषम निरीहम हरिहर विधि वैद्यम योगभिर्ध्यान गम्यम जनन मरण भीति भ्रंश सच्चिद स्वरूपम सकल भुवन ध्यान बीज चैतन्य मीडे ध्यायामि ध्यानम समर्पयामि सच्चिदानंद सद्गुरु देवताभ्यो नमो नमः। अब जिस मंत्र को बोल रहा हूं, इस मंत्र को आप अपने उंगलियों पर खड़े रहकर लेंगे, మీ యొక్క కాళ్ళ పైన కాళ్ళ వేళ్ళ పైన నిలబడిన మంత్రం అనే వరకు కాళ్ళ వేళ్ళ పైన నిలబడాలి, అయితేనే శరీరంలో పూర్తి మంత్రం ప్రవహిస్తుంది. ఆప్కే ఉంగలియోం పర్ ఆప్ ఖడే రహే, మైం జైసా బోల్తా హూం వైసా బోలే ఓం శ్రీం హ్రీం పరమేష్టి గురుం అసక్ష మలవరయుం హ్రీం
அசக்ஷமலவரையும் அசக்ஷமலவரையும் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் 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 ஸ்ரீம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் பரமேஷ்டி குரும் பரமேஷ்டி குரும் அசக்ஷமலவரையும் அசக்ஷமலவரையும் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீம் ஸ்ரீம் ஓம் ஓம் ஆப்கோ சிர்ஃப் கல் ஏக் தின் குரு பூர்ணிமா கே தின் ராத் மே யா சுபஹ இஸ் மந்திர கோ சாத் மாலா மந்திர ஜப கேவல் உஸ் மாலா சே கர்னா ஹை மாலா சன்ஸ்கார் உதய மஹாராஜி கர்வாயேங்கே ஆப் உன் யந்திரம் உசி பிரகார் அஞ்சலி பத்த லேக்கர் நீச்சே பைட் ஜாய் உஸ்கே பாத் மாலா சன்ஸ்கார் ஹோகா மீர் அதாகே யந்திரான் அஞ்சலி லோ தீஸ்கோனி கிந்த குர்ச்சோண்டி நீச்சே பைட் ஜாய் जब गुरु मंत्र जप होता है आप इसकी धारणा रखते हुए इसको ध्यान में रखते हुए आपके घर में आपके पास जो भी यंत्र है माला है आज एक बार इन केंद्रों में सात माला मंत्र करने के बाद आप केवल आपके घर में जाने के लिए इस माला से एक माला मंत्र कर दो तो आपके घर में जितने भी यंत्र है वो सारे सिद्ध हो जाए आप उन यंत्रों के सामने जो भी साधना संपन्न की है केवल एक माला करने के बाद इतना बोल दो ये साधना सिद्ध होनी चाहिए इस माला एक माला से आप उन यंत्रों को सिद्ध होते हुए देखेंगे चाहे वो प्रांतिशायुक्त हो या प्रांतिशायुक्त ना इप्पटि वरकु मीरु मी इंट्लो एंतलैना पेट्टि उंटे ఈ మూడు రోజుల్లో ఏడు మాలల జపం పూర్తి చేసి పొద్దునైనా సాయంత్రమైనా కానీ రాత్రి మీకు ఎప్పుడైతే శాంతి అనిపిస్తుందో ఆ టైంలోనే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో కానీ రాత్రి దర్శనం 12 గంటలకు కానీ ఏడు మాలలు పూర్తి జపం చేసిన తర్వాత మీ ఇంట్లో ఉన్న యంత్రాలు సాధన దేవతా ప్రతిష్ట ఆఫీసులో దేవతాకి ఫోటో ఉంది యాత్ర దేవతాకి మూర్తి ఉంది ఉన్న ప్రాంతిష్ట హోగాయా నీ హోగా లేకపోతే కేవలం కేవలం ఏక మాల మంత్రం కట్టేసే ఉన్న ప్రాంతిష్ట హో జాయేగి ఆ భోగి దేవత అప్పుడు ప్రసన్న హో జాయేంగి ఇస్ మంత్ర మే ఇతి శ్రేష్ఠత హై मैंने मंत्र फिर एक बार अपने महाराज का बोलता हूँ और मंत्र फिर में आपके सामने जो झुटकाएं रखी हुई है और यदि रखा हुआ है उसे नीचे ना रखते हुए गुरु चरण में मान लें इसे किसी भी हालत में नीचे नहीं रखना चाहिए महाराज के साथ जब गुरुजी को वो प्रेमानंद जी भूत स्थिति बता रहे थे और उसकी विशेषता बताते रहे थे इस संसार में भूतल में ऐसी चीजें छुपी हुई है ऐसे प्राण छुपे हुए हैं ऐसे नाम छुपे हुए हैं कि जिनके शरीर में मणिमय रत्न कूर्म अवतार और हम सातों पीढ़ियों से हमारी इस भूमि की व्यवस्था हम कहते हैं कि हजारों लाखों युग से ये भूमि है और लाखों युग में लाखों देवता करोड़ों देवता हुए 23 करोड़ देवता हुए तो फिर एक दो देवता के अंश कहां थे हो तो हम इस संसार में हम भी चमत्कार की सृष्टि कर सकते हैं यही कारण हुआ कि प्रभु जी सदगुरुदेव जी उनके पास से भूतल स्थिति ले लेने के बाद उन्होंने सिद्धाश्रम की खोज की साधुओं से विद्या ली और जब गृहस्थ रूप में वे लौटे और उन्होंने मंत्र विज्ञान की पत्रिका का आरंभ किया तो गुरु जी का पहला पड़ाव गुजरात का राष्ट्र हुआ राजस्थान के करीब रहने के कारण गुजरात का राष्ट्र पहला पड़ाव हुआ और गुरु जी ने बहुत सारे शिविर उस जमाने में गुजरात में किए हुए हैं और गुजरात से ही मौत के पक्ष से निकले हुए सदगुरु जी अब उन हिमालय की गणनाओं के साधु को ढूंढ निकाले थे लेकिन उन्हें मौत का भूत के वर्ग में जिस जिस साधु को ढूंढ निकाला था और वे ग्रस्त रूप से लेवाए तो मौत का भूत के वर्ग कर ले और उन्हें उनकी सृष्टि उन साधुओं को देखना उन देवताओं को देखने की गुरु जी ने प्रति आरम्भ कर गुरु जी के साथ उस समय की चिमन भाई नाम के कोई मंत्री होते थे वे गुरु जी के साथ आए और गुरु जी को कहा आपने बहुत बार भूगोल स्थिति के बारे में कहा आपने भूगोल स्थिति की हुई है तो मुझे बताइए आप हर बार आते हैं तो अबू पर्वत में अरबुज पर्वत से संस्कृत में कहा गया हर बार अबू पर्वत में जाते हैं बहुत शांति के साथ बैठे हुए कुछ विचार करते हुए बैठे हैं मुझे इसका क्या रहस्य है तो गुरु ने कहा कि तू मेरे इस कहने में रास्ते को तू ही समझेगा क्योंकि मैं इस धर्मों को ढूंढता हूँ मुझे आप धर्मों को ढूंढता लेकिन ये तो मैं तो आदमी व्यापारी हूँ
ये आप भोग स्थिति में इसलिए हो मुझे रमेश जी को सोना लाना या कुछ ऐसा कुछ मिलता है तो उसी स्थिति अगर आप दे दें तो बहुत अच्छा है। गुरुजी उसके उस समय पर बहुत हंसने लगे। तो गुरुजी ने कहा इसको दे दो, ये अभी मुझे गुरु भी तो परेशान है, नहीं गुरु भी तो परेशान है, नहीं गुरु तो छोड़ने वाला नहीं है और गुरु तो भी छोड़ने वाला नहीं, दिया दिया तो मुझे एक मिनट में गायब कर देगा, खोज दिया जाएगा भोग स्थिति के लिए। उन्होंने कहा मुझे भूत साधना बता देता हूँ और सिद्ध होगी या नहीं होगी ये मेरी बात। गुरु जी ने उसको भूत साधना प्रदान कर दी। प्रदान कर दी तो एक बार दो बार तीन बार साधना किया और गुरु जी बात है गुरु जी साधना नहीं है, गुरु जी वो साधना नहीं नहीं हुई साधना में फिर कुछ भी नहीं। आप जिस दिन भी साधना करने को बोले वहां सो रहा बोले मैंने सो गया, मुझे कुछ करके नहीं दिखाएंगे। तो वो इस हद तक आ गया गुरु जी वो साधना है तो ये साधना बता, क्या ये साधना नहीं है तो फिर बोले नहीं। तो गुरु जी बातों बातों में थके हुए ऐसा ही शिविर हो रहा था और गुरु जी ने इस कौन सा उपकरण के बारे में कहते हुए कहा कि बादशाह अकबर के जमाने में राजा मानसिंह थे और अकबर का ज्यादा कुछ कोष जितना भी खजाना था वो मानसिंह के पास था, वो मानसिंह को सौंप कर रखे थे। लेकिन अकबर का पुत्र जब सलीम आया तो वो लड़कियों के पीछे या दूसरों के पीछे पैसा उड़ाने लगा तो अकबर ने मानसिंह से कहा कि तू इस खजाने को लेते तो इसे पूरा उड़ा लेगा। और राजा मानसिंह ने उस अपने धन को जो बहुत अरबों में था उस समाज उस जमाने का सोना हीरे जवाहरात जो कुछ भी है कहते हैं कि वो मऊ मऊ के पर्वत में उसने कहीं गुफाओं में छुपा कर रखा। ये बात गुरु ने शिविर में कही। आप उस जीवन भाई का तो दिमाग घूमिए बोले गुरु जी आप मऊ का उस साधु को देखने तो जाते हैं आप मैं क्या क्या रहा हूँ उसको संपन्न की और एक अंबा भवानी का माँ अंबा जी कहते हैं गुजरात में मंदिर है उस आश्रम वहां से सभी का साधना संपन्न करवाई और सभी के सभी को बोला कि आपके स्वप्न में कहा क्या आया। तो सभी ने एक स्वप्न में कहा कि अंबानी के मंदिर से 125 किलोमीटर के दूर पर एक प्रश्न है जिसके ऊपर गोल गोल आकार के तीन गोल लगाए हुए हैं, उस गोल के पास पहुंच जाए तो हमें कुछ मार्ग लग सकता है। सभी को सपने में वही कहा और गुरु जी उनको लेकर 125 किलोमीटर की दूर जंगल में गए। उन्हें ढूंढते ढूंढते दोपहर के दो बजे और उन्हें जो सपने में दिखा था वो पत्थर दिखा। तब सभी को एहसास हो गया कि भूरंग की जिंदगी नाम जिंदगी है और उस गोल पत्थर को जिस तरह भी उन्होंने कहते हैं कि गुरु जी ने उस पत्थर को हटा दिया तो देखते हैं कि अंदर का बहुत मार्ग गहरा मार्ग है और उस मार्ग में गए तो एक बार जाने के बाद फिर रास्ता क्लोज हो जाता है। वहां फिर एक पत्थर रखा हुआ और उस पत्थर के ऊपर ऐसे चार क्रॉस के बाण दिए हुए हैं। वो बाण के ऊपर एक बाण के ऊपर दो आकार लिखा हुआ है, एक बाण के ऊपर आकार लिखा 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 गया है और एक बाण का ऊपर आकार के ऊपर तारा लिखा हुआ है। तो गुरु जी पूछने लगे गुरु जी ये क्या है यहाँ पत्थर आकार को क्यों लगाया है, कुछ नहीं दिख रहा है इसके पीछे क्या है। गुरु जी ने उस रास्ते कहते हुए कहा ये जो गोल रखा हुआ है ये सूर्य है, अमावस्या के दिन आवक को इसका पूर्व का मार्ग खोलता है और जहाँ चांद रखा हुआ है वहाँ एक पूर्णिमा है उसके दिन आप पूर्णिमा के दिन इसका पश्चिम भाग होता है और उसके ऊपर तारा भी लिखा हुआ है कि तारे के दिन जिसने जिस दिन पूर्ण नक्षत्र हो उस दिन आप इसका उत्तर भाग होता है। तो लोग गए और उन्होंने देखा एक पूर्णमासी के दिन गए तो उन्होंने देखा कि सचमुच पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन एक सूर्य का प्रकाश आ रहा था उसके ऊपर एक पत्थर के ऊपर वो आकार था। उन्होंने उस आकार को खोला और अंदर गए, अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा और एक पत्थर रखा हुआ उसके ऊपर दूसरी निशानी संसार में हमें
ऐसी साधना ही हमारे पास है। आज भी मद्रास में एक दो साधन में जिसे जर्मनी में डॉक्टर मिला और सिर्फ मद्रास से जर्मनी इसलिए ज्यादा है कि वहां के साइंटिस्टों को इस जमीन पर अपना भूरस्थिति का यंत्र रखकर बताता है कि इसमें कौन सा मेटल अंदर पूरी जमीन में लोहा मिलता है मैंगनीज मिलता है और होता है और उससे वो जहां बोल रहा है उसका वो निकाल एक परसेंट उसका लेकर आता है पांच करोड़ के मद्रास में इसके खर्च किया मेरा उसका और वादा मैंने उसको भूरस्थिति का ये जो सिद्धांत है ये मैंने बताया था। आज भी वो अभी विराजमान है वो जर्मनी को हर बार हर महीने को प्राइस ज्यादा प्राइस ज्यादा है सिर्फ भूरस्थिति बताने के लिए। यही बात की कि जब हमारे काशी से काशी का शिवलिंग जिस भी यमन में यहाँ से लेके चले गए और वो वहां सोए तो कहते हैं कि उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा था तुम ये रोज सोना लाते हो जो सोना जो काशी का सोना बनाते हो सोना मंदिर का सोना बनाते हो तुम्हें भारत से सोना बनाने आता है लेकिन वो सोना इतना बनाते हुए घर वाले को बनाने के बाद सोना बताए उसी का ला रखते हो तो उन्होंने कहा हमारा सोना था भूमि में जल्दी में लगा हुआ है लेकिन भूगर्भ में क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिसे हम स्वीकार ले सकते हैं जिसे हम इस दायित्व को प्राप्त कर सकें। तो गुरुजी कहते हैं कि उन नाम का उस युवक का नाम था मोहम्मद रसूल और उस रसूल जी को इस भूगर्भ स्थिति का विद्वान उन्होंने बताया था और उन्होंने कहा कि इस स्थिति से हमें क्या प्राप्त होगा बोले तू इस स्थिति को करवा तो देख तू संसार का करोड़पति बनेगा। बाद में उस काशी की जमीन के साथ आज पहुंचा है आज अबू धाबी में हम कहते हैं आज जहां भी जाते हैं वहां जब उसने उस इंटरवर को सो गया तो उसने देखा कि कोई जल की धारा हमारे उस जमीन से जा रही है और जल की धारा में उसने उसके खोलने का काम किया पूरी बाद में पेट्रोल आज का जल जो निकला और उस धारा का आज स्पष्ट धारण की उसकी तो जमीन के अंदर भूगर्भों के अंदर जो भी चीजें हैं उसका ज्ञान हमें इसे प्राप्त होता है। और मैं ये बात आपको यूं ही नहीं कह रहा मैं आज की साधना के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह साधना परमपूज्य देव जी के समक्ष मैंने ये साधना संपन्न की है और यहाँ के बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं जो लोग जानते हैं कि मैंने कुछ लोगों के सामने भगवत स्थिति का विधान भी बताया है चाहे भूमि से भगवान की मूर्ति निकलनी हो चाहे भगवान से शैल्य हो शैल्य का मतलब होता है कि अपने भूमि में हम घर को बहुत औसत के साथ बन लेते हैं फिर भी घर में काम नहीं रहते क्योंकि उस घर में कोई मोहल्ला रहा हो या बहुत खराब खास है कुछ ऐसे जमीन में ऐसी चीजें हो जिसमें घर में भगवान नहीं रहते हो तो इसे घर के खा गया है ऐसे शहर जैसे भूमि में होता है तो घर में तो कितने भी वास्तु के साथ तुम घर मांगो तो घर में शांति नहीं होती। तो इस भूगर्भ स्थिति की स्थिति से हम इस सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और जो भूगर्भ की स्थिति का ज्ञाता होता है वो संसार में कहीं भी बैठा हुआ हो वो जंगल में भी बैठा हुआ हो तो जी सकता है वो संसार किस राशि को जानता है। इस भूगर्भ की स्थिति के साथ मैंने जैसा कहा हृदय गर्भ स्थिति है जिस स्थिति को गुरु जी ने मैं गर्भस्थ बालक को देखना देता हूँ ये बात गुरु जी ने बहुत बार कही और मेरा कैसे भी है उन्होंने जिस मंत्र को किया है वो गर्भस्थ बालक को चेतना देना या घर में बालक है या बालिका है इसको जाना ये तो ये बुढ़ापे के लिए लेकिन हम बिना उनको कुछ भी किए इस कारण से जान सकते हैं गर्भ में बालक है या बालिका। हम गर्भ में बालक को ऐसी चेतना दे सकते हैं अगर उसके आंख बनना बंद है या उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो हम उसको चेतना देकर उस चीज को हम आज भी चेतना बना सकते हैं क्योंकि यही बात उस गर्भ बालक को चेतना देना इस बात में यही है इसे भी हृदय गर्भ साधना के लिए गई है ऐसी चेतना भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को दी थी जब वो सुभद्रा के गर्भ में थे। हेमोग्राम का अर्थ होता है कि संसार में कोई भी धातु आपके पास आए उस धातु में कौन सी धातु मिली हुई है कोई द्रव आ जाए उस द्रव में कौन से द्रव में उस द्रव के द्रव में कौन से द्रव मिले हुए हैं इसका ज्ञान उसको इस मंत्र को बोल के ही प्राप्त हो जाए।
जिसे हार गए, जिसे आने की डर है, हम एक टुकड़ से धीरे धीरे से और गीता के सारी चीजें भाग गए, आज हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं। इसको द्रव्यता द्रव ज्ञान कहा गया, इसे हेमद्रव कहा जाता है। श्रेणी ग्रंथ का अर्थ होता है कि इस संसार में उन सागों की उत्पत्ति पहले ही सागो ज्ञात कर लेता है, इस मास के गर्भ में एक जीवन संपन्न होने वाला है। जैसा वसुदेव देवी के बारे में हमने माया से सुना था कि आकार में दी थी हमारा भगवान नारद ने कहा था कि इनका आठवां पुत्र भगवान होगा। यह हम राम जी के बारे में दशरथ के गर्भ में चार पुत्र होंगे, जिनके गर्भ में देवता उत्पन्न होंगे। राम जी परामर्श से पहले उनके मां को सपना दिया था कि काठा गदाधर तुम्हारे गोप में जन्म लेने वाले हैं। इस सपनों के पीछे ये सरस्वती ये से ग्रंथ का सूत्र आ गया। और हरि मनुष्य के जीवन में ये स्थिति उतनी ही आवश्यक है क्योंकि हम सिद्धार्थ का पौत्र है। सिद्धार्थ पहुंचने में ले जाऊंगा सिद्धार्थ मतलब आपको, और मैं तो अंदर पूछ जाऊंगा जहां भी जाना है। आप इस कदम में गुरु जी का आगे देखते रहेंगे तो आपको कम से कम सिद्धि होगी। जाएंगे इस जमीन के लिए उधर में यहाँ दरवाजा है, यहाँ सिद्धार्थ मतलब और जिन्होंने ये सिद्धि की लाड़ी महाशय से लेकर जिन्होंने ये सिद्धि की, जो भी गंगा में डूबते थे स्वामी नेमानंद, हम गंगा तो सारी जगह प्रवाहित होती है क्यों प्रयाग में ही जाकर डूबते हैं, हम गंगा को हरिद्वार में भी जाकर डूबते हैं, वहां एक भूगर्भ सिद्धि है, वहां देवता है, वहां उनका स्नान होता है, वो जल हमारे ऊपर जाता है, इसलिए हम उस गंगा में जाकर डूबते हैं। उस भूगर्भ सिद्धि को जानने वाले जो पहचानते हैं वही कहते हैं तो प्रयाग बह रही है, लेकिन फिर भी हम पर्टिकुलर जगह ही जाकर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पीछे भूगर्भ सिद्धि है, वहां कोई ऐसी विशेषता है, ऐसा शिवलिंग है या ऐसे देवता है जिनके ऊपर से पानी गुजर रहा है और हम वहां स्नान करने के बाद हमें उस चीज का पता चलता है। हमने बहुत जगह देखा है, आज हम रिसेंटली शेगांव के गजानन महाराज के बारे में और ऐसे ज्ञान किया, हम पृथ्वी में पानी कहाँ है इसके भी जानकारी हम इस भूगत सिद्धि से प्राप्त कर सकते हैं। आप साधक हैं, आपके जीवन में यह साधना आवश्यक है और आपके जीवन में आपको सिद्धार्थ पहुंचना है, इसलिए मैं कहता हूं कि इस भूगर्भ सिद्धि को अगर आपके जीवन में आप धारण कर ले तो आप मेरे साथ आप जहां भी आए आप भी यह चीज प्राप्त कर सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं, उसकी दिव्यता क्या है, उसकी श्रेष्ठता क्या है और उसकी श्रेष्ठता को हम किस प्रकार करें। ऐसी दिव्य साधना को आज मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप सब लोग मेरे साथ सिद्धाश्रम मानने वाले हैं और हम हिमालय की कंदराओं को गुफाओं से गुजर रहे हैं, आप में भी साधनाएं हो और आपके साथ ऋषि हो तो आप इस साधना को संपन्न करें, या हम जंगल में कहीं सो गए हो तो हमें कोई ऋषि पुकार रहा है या कोई गुफा में है तो आप भी उस ऋषि के साथ पहुंचकर आगे का जीवन हमारा सुदृढ़ बना सकते हैं, आप हमारे साथ आ सकते हैं, हर जमीन में गड़े हुई उस चीज को ले सकते हैं जो दिव्यता हमें प्रदान करने वाली है। आप किसी के जीवन में कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि का निराकरण भी आप कर सकते हैं, आपके जीवन को आप सुधार सकते हैं, इसे भूगर्भ सिद्धि कहा गया है। और इस भूगर्भ सिद्धि को जो करता है इसके साथ धन छुपा हुआ है, उसका कर्मरहित होने वाला आदमी कभी इस संसार में पूजनीय नहीं होता। यही कारण था समंतक मणि के प्राप्त होने पर भी कृष्ण ने उग्रसेन से कहा कि ये तू समंतक मणि तू तेरे पास मत रख, तू क्योंकि यूं ही पैसा कमाकर गंवा देगा और राज्य में निष्कर्म करने वाले बिना कर्म करने वाले लोग होंगे और तुझे लूट कर खा जाएंगे। लेकिन उसने नहीं समझा कि कृष्ण को हमारे ऊपर ईर्ष्या है, यह बात उग्रसेन महाराज लगता था। जब उसको शेर मारकर खा गया और जाम्बवंत ने उस मणि को उठा ले गया तब उसे पता चला कि कृष्ण ने बात सही कही थी। इसलिए हम इस भूगर्भ सिद्धि को हम लोक कल्याणार्थ उपयोग करें, हम उन साधुओं को या हम कभी जंगल में जाए कभी भटक जाए या कभी किसी घर में जाए उसकी त्रुटि को जानने के लिए हम इस साधना का उपयोग कर सकते हैं। हम कभी जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन बहुत से लोग मेरे ऐसा होना चाहिए कि उस भूगर्भ में कोई ऐसी चीज है तो लेने के बाद या वो शापग्रस्त है या कोई ऐसी गर्भ है जिसके कारण तू इस लाश को भोग रहा है तो उसे कैसा मिटा दे, उसमें क्या दोष है, उसका दोष का निवारण किस तरह करें। आप में बहुत सारे लोग इस भूगर्भ सिद्धि की साधना की सफलता तो बहुत से लोग जानते हैं कि गुरु जी मुझे प्रदान की थी और मैंने आपको बतलाया है, जानते हैं तो जानते हैं। तो मेरा यह कहने का मतलब भाई जब तक अनुभव नहीं करता तब तक आपको नहीं कहता, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आज हमें सिद्धाश्रम पहुंचना है तो हमारे जीवन में जिस तरह गुरु के जीवन में यह साधना उपयोगी हुई उसी तरह हमारे जीवन में भी यह साधना उपयोगी हो, इसलिए मैं आज आपको यह भूगर्भ साधना सिद्धि प्रदान करना चाहता हूं
और ये हमारे आगे के जीवन में, चाहे हम काशी चले जाए तो हम काशी के ऊपरी भाग को तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे पंडित आपको सारे देवताओं मंदिरों में ले जाएंगे, पूजा करवाएंगे, लेकिन वो नहीं है। आप प्रयाग में जाओ तो हम कहां नदी में स्नान करना है, कहां देवता का आवरण है। हम आप हरिद्वार जाओ तो कहां हमें स्नान करना है, इसका ज्ञान आपको हो, उस पवित्रता को अनुभव करे, उस दिव्यता को अनुभव करे, अमृत कहां है इसका पता चले। कुंभ में जाते हैं तो हमें स्नान कहां करना है, हम कहीं गटर में जाके स्नान करते हैं या गंगा में जाके, तो उसका पुण्य नहीं मिलता। हम इस दिव्यता को जानने की प्रक्रिया से उसे भूगर्भ सिद्धि कहा गया है, उसे हिरण्यगर्भ सिद्धि कहा गया है। यह गर्भ सिद्धि जो है ये भगवान विष्णु के साथ, और जो इस सिद्धि को प्राप्त किया वही अर्जुन विशुद्धानंद जैसे आज भी अपने नाभि कमल को खिला सकता है और उनको उनके देवता की सृष्टि कर सकता है। जिसको इस सिद्धि का ज्ञान है वो एक अच्छे पुत्र को उत्पन्न कर सकता है, अच्छे संतान को उत्पन्न कर सकता है, देवता तत्व को उत्पन्न कर सकता है, और वो अपने घर को अपने शरीर को भी उतना ही श्रेष्ठ बना सकता है। वो मरने के बाद भी जमीन उसे गाड़ दिया जाए, उसे जला दिया जाए, वो कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे जमीन में कहा गड़ जाना है उसे पता है। वो भूगर्भ सिद्धि वाला मनुष्य आज नहीं तो उसके जाने के बाद भी पूजनीय कहलाता है। तो जहां कहीं भी हम बहुत सारी जगह आप देखते हैं कि हमें हमारे पास गुरु जी हम जाते थे गली में गए थे वहां बोले तो एकदम शिवलिंग निकल गया, और उस शिवलिंग के बाद एकदम बड़ा मंदिर बना, बहुत सारे पूजा करने लगे। तो उस जब तक मंदिर को शिवलिंग जमीन में गड़ा था उसी भूगर्भ सिद्धि कराना, अभी एक घंटे के अंदर अंदर बुला करूंगा, उसके पहले सुंदर का भजन हो जाए और भोगस साधना का जिनको भी इच्छुक साधन है वे पैकेट डाल दें। मैं एक बार तेलुगु में समझ जाता हूँ, तब तक साधना पैकेट आप डाल सकते हैं। निर्णा ने प्रवेश गुरु साधना ने साधन निश्चय प्रवेश गुरु साधना के मन गुरु को जो प्रसन्न होता है, यानी आय गुरु को प्रसन्न हो जैसे एक बार प्रसन्न होता है प्रवेश गुरु के मन गुरु को गुरु సిద్ధాశ్రమానికి మీకు తీసుకొని ये संसार के अदृश्य चीजों को दृश्य करके देखना चाहते हैं,
जो सामान्य दृष्टि से भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, सामान्य दृष्टि से भी दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, और हमारी गुढ़ स्थानों को पहचानना चाहते हैं, वो साधना और इस साधना दुर्लभ जीवन में संपन्न करें। इस साधना में एक स्फटिक वनस्पति शिवलिंग है और दो गुटिका है और लक्ष्यमाला है। गुरु जी कहते हैं कि उस स्फटिक बाण के सामने रुद्राक्षमाला से जो दशमाला जब करता है, जिस किसी को कहीं आपको अनुमान हो, आपके घर में कुछ दोस्त हो, तो आपको लगता है उस शिवलिंग पे दशमाला जब करने के बाद उस शिवलिंग को अपने सिरहाने रखकर सो जाए, तो रात्रि में स्वप्न में एक जरूर दिखता है कि आपके घर में क्या दोष है, क्या किसी जमीन में आपको किसी ने कही है कि जमीन में कुछ लड़ा हुआ है। तो आप अगर उस बड़ी शिवलिंग को वहीं रखकर दशमाला जब करने के बाद सो जाते हैं, तो स्वप्न में वो दृष्टि जो लड़ा हुआ है कि उसके बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा कि वो कितना अंदर है, क्या है। जो दो गुटिका है, मैं आपको एक सफेद और लाल गुटिका दी हुई है, उस सफेद और लाल गुटिका की एक विशेषता है। सफेद गुटिका अगर हम उस स्थान पर हमें पता चल जाए कि कोई चीज गली हुई है और अंदर है, तो हम दूसरे दिन उस सफेद गुटिका को उस पर रख ले और वहां सो जाए, तो हमें ये पता चलता है कि वो जो गली हुई चीज है उसको हम हाथ लगाए या ना लगाए, तो हमारे को फायदेमंद है या नहीं है। अगर फायदेमंद है तो सफेद गुटिका अदृश्य हो जाएगी, और फायदेमंद नहीं है तो गुटिका वही रहेगी। इसी तरह लाल गुटिका यह है कि अगर उसे अपने को खोलने का काम पड़े तो उसको अगर हम धारण करके वहां खोल देते हैं, तो हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती। हम बहुत सारे लोगों में देखे हैं कि अगर ऐसी चीजों में कभी हानि होने की संभावना होती है तो उसे घंटा घर में गुटिका ला गया है, जिसको बांध लेने से वो सारे जो उपद्रव वाली चीजें वहां है वो भाग जाते हैं। गुटिका धारण करने के बाद अगर हम उस स्थान को निकालना चाहें या उस वस्तु को देखना चाहें, तो हम सफेद गुटिका को एक जगह लगाकर हम उसे निकालने का प्रयास करें, वो अदृश्य हो जाए तो हमें लाभदायक है और उसे हम जरूर अपना सकते हैं। इस बीच हम अगर उस लाल गुटिका को अपने साथ धारण कर लेते हैं तो हमें किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं होता, इस प्रकार दोनों गुटिकाओं का उपयोग है। लेकिन इसकी सिद्धि के लिए किसी भी सोमवार को उस और वही उसी स्थान पर उस स्फटिक शिवलिंग को सिरहाने रखकर सो जाते हैं, तो आपको उस जगह का सब निगूढ़ ज्ञान, क्या उस जगह में क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ है, इसका ज्ञान हो जाएगा। ये साधना है, आपको जब कभी भी यही यही भी जाना है, केवल दशमाला एक आधे घंटे का प्रयोग है, और वो जो स्फटिक शिवलिंग है वो सिद्ध है। ये भी एक कार्य कभी भी किसी भी सोमवार में नहीं करना चाहिए, और सफेद वस्त्र धारण करनी चाहिए, उसके साथ साथ रुद्राक्षमाला से ही जब करना चाहिए, दशमाला जब करना चाहिए। अभी आपको आप उस स्फटिक शिवलिंग को, मैं आज सोमवार है और आज को यही आपको इस शिवलिंग का पूजन करवाता हूँ। इसे मानस पूजन करते हैं कहते हैं, और मानस पूजन के बाद आपको या तो शिव मंत्र स्तोत्र या फिर रुद्र का मंत्र, रुद्र के मंत्र कहते हुए आपको उसको सिद्ध कर लेना है, और उसके बाद दशमाला मंत्र जब यहीं सिद्ध कर लो ताकि गुरु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आगे का कार्यक्रम मंत्र का कार्यक्रम पहले समझाता हूँ। पहले आप स्फटिक शिवलिंग को आपके हाथ में धारण कर लें, पूजे महाराज सत्यवी मंत्रों से और रुद्र मंत्र से उसका पूजन करेंगे, मास पूजन करने होगा, और उसके बाद रुद्र का होगा, आपके दाहिने हाथ में शिवलिंग धारण करें।